नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दबंग स्टोरी में और मैं हूँ श्रुति सिंह। शाम के बज चुके हैं 6 और 6 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ आ गए हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर कोरोना वायरस पर। देश में भारत में कोविड-19 के मामलों में आई 22% कमी। पिछले 24 घंटों में 8013 नए मामले सामने आए। अब अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं तो 28 फरवरी से 5 मार्च तक मौसम बदलेगा अपना मिजाज। हो जाइए आप सावधान। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम सर्द, गर्म और बारिश जैसा रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर रात में ठंड बनी रहेगी, दिन के समय धूप भी निकलेगी, लेकिन अब बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही। यही नहीं, आने वाले कुछ दिनों में लोगों को एक ही दिन में 3 मौसम का अंदाज देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अगर सोने चांदी की कीमत की, तो रूस यूक्रेन संकट ने फिर डाला सोने चांदी के दामों पर बड़ा असर। आपको बताते चले, रूस यूक्रेन संकट के चलते एक बार फिर सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 28 फरवरी 2022 को सोमवार की सुबह सोने की कीमतों में 223 रुपए की उछाल आई है। यही नहीं, 25 फरवरी को जहां सोने चांदी की कीमतों में एक साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, महज 2 दिन के बाद 28 फरवरी की सुबह इस सोने चांदी की रेट में भी बढ़ोतरी अब हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम शेयर बाजार की ओर रुख करते हैं तो शेयर बाजार में शुरुआत में गिरावट झेलने के बाद तेजी से रिकवर हो रहा है शेयर बाजार। आपको बता दें, शुरुआत में गिरावट झेलने के बाद शेयर बाजार तेजी से रिकवर हो रहा है। एक समय पर सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन अब सिर्फ 151 अंकों की बची है। यही नहीं, वही निफ्टी भी सिर्फ 31.15 अंक नीचे है। अब अगर हम खेल जगत की ओर रुख करते हैं तो महज 12 दिन में भारत ने 2 सीरीज पर जमाया कब्जा। पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच रविवार को खेले गए आखिरी मुकाबले को टीम इंडिया 6 विकेट से जीतने में सफल रही। माधवी पूरी बुज बनी सेबी की पहली महिला चेयरमैन, 3 साल के लिए मिली जिम्मेदारी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए चेयरमैन की घोषणा कर दी गई है। माधवी पूरी बुज को चेयरमैन पद के लिए नियुक्ति भी किया गया है। यही नहीं, सेबी के पूर्व चेयरमैन अजय त्यागी का विस्तारित कार्यालय इसी महीने यानी फरवरी में समाप्त हो रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। अगर अब हम झारखंड की ओर रुख करते हैं तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरे दिन भी हुई कई कार्य। आज विषय सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, वहीं तीसरे अनुपूरक बजट भी पेश की गई। तो ये थी 6 बजे तक की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ द बज़ स्टोरी में। धन्यवाद।